स्टूडेंट्स आई होप यू यूर डूइंग गुड सो बच्चे आज कल मैंने हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था रोल ऑफ जेंडर ग्रोइंग अप एज गर्ल्स एंड बॉयज फाइन सो आज मैं आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ सो रोल ऑफ जेंडर बेसिकली जेंडर क्या होते हैं वी हैव जेंडर जो बायोलॉजिकली जो गॉड ने हम लोगों को डिफरेंट बनाया है है ना वी हैव अ डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है ना सो द डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर जिसकी वजह से बाइफोकेशन होते हैं डिविजन्स होते हैं बिटवीन ह्यूमन दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ गर्ल एंड बॉयज फाइन सो ग्रोइंग अप एज गर्ल एंड बॉय अब कैसे But एक लड़का या लड़की बड़ा हो रहा है तो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं ना कि हम लोग के रोल्स डिफाइंड होते हैं सोसाइटी के अंदर विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फाइन बिकॉज गॉड ने हम लोगों को इसलिए नहीं बनाया गॉड ने कोई डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ इन ऑन द बेसिस ऑफ गर्ल और बॉय नहीं किया ये सब सोसाइटी ने लोगों ने किया ठीक है तो चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है बॉयज एंड गर्ल्स गेट्स अ सेम अपॉर्चुनिटी इन टूडेज वर्ल्ड येट बिंग अ बॉय और अ गर्ल स्टिल इन्फ्लुएंस द वे ऑफ लाइफ देर आर सर्टन एक्सपेक्टेड क्वालिटीज ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वाई डू यू थिंक दिस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट इक्वालिटी कैन बी अचीव इन द सोसाइटी सो गर्ल लड़की हो या लड़का हो आज के डेट में ये हो रहा है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं है ना क्या हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में डिफरेंस करते हैं इफ अ गर्ल इफ अ बॉय तो वो कहते हैं कि चलो लड़की को कम पढ़ा लेते हैं लड़के को पढ़ा लेते हैं नहीं आज के डेट में हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं हो करते हमारे पेरेंट्स ना ही दिस थिंग इज एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल कि अब ये धीरे धीरे दिमाग से ये चीजें बाहर निकल रही हैं और लड़की और लड़की को सेम अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जिसकी वजह से हम लोग की लाइफ जो है इम्पैक्ट होती है सॉरी देर आर सर्टन एक्सपेक्टेड क्वालिटीज कुछ ना कुछ क्वालिटीज एक्सपेक्ट uh, करते हैं लड़की या लड़के से ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंडर क्यों ऐसा होता है यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड इन द सोसाइटी कैसे इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में अचीव की जा सकती है जो भी जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है वो चीज को हटाया जाए हमने ये सुना है ना कि गर्ल्स के रोल और बॉयज के रोल डिफरेंट होते हैं फाइन क्या हमने, हमने ये सुना है कि गर्ल्स आर सपोज टू डू द हाउस होल्ड वर्क ओनली एंड द बॉय The father, ऐसे बोलते ना, मम्मी तो घर में काम करेगी ये हमारे सेट है हम लोगों के दिमाग का कि मम्मी का काम होता है घर के काम को हैंडल करना और पापा का काम होता है फॉर दो दैट फैमिली कैन लिव इजिली है ना ये एक माइंड सेट है लोगों का बट अ विमेन रोल इज नॉट गिविन द सेम इम्पोर्टेंस अब हम हम लोग क्या करते हैं पापा कोची पापा बाहर गए हैं पापा काम कर रहे हैं अरे मम्मी भी बोलने लग जाती है कितनी कि बेटा पापा काम करके आए हैं थक गए क्या कभी हमारी मम्मी ये सोचती है कि मैं तो सुबह से ट्वेंटी फोर सेवन काम करती हूँ किसी भी टाइम पर उठती हूँ है ना तो हम लोगों को बट उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती दिस मेक्स अस क्वेश्चन हैव वी रियली एवॉर्ड इन एज अ सोसाइटी क्या हम सच में इम्प्रूव किए हैं एज अ सोसाइटी

जो हमारी सोसाइटी ने बनाया है कि माइंडसेट लोगों का है कि लड़के का काम क्या है और लड़की का काम क्या है हम लोगों का बॉर्न एंड बॉटअप इस तरीके से होता है कि हम लड़की के काम ठीक है जी हम सेट करा दिया जाता है हमारे दिमाग में भी लड़की का काम घर के काम करना है लड़की के काम बाहर जाके अर्निंग अर्न करना है सो so दैट वो अपनी फैमिली को एक लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करा पाए है ना व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर रोल्स वी फिक्स सर्टेन एटीट्यूट अब ये अब आपको आई होप क्लियर होगा सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है जेंडर एक सोशल कल्चरल जो हमारी सोसाइटी ने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द रोल्स है ना जो सेट रोल्स किए हुए हैं बॉय बॉय और और गर्ल गर्ल के उसके बेसिस पे जेंडर ठीक है जो नेचुरली हम लोगों को मिला है जो भगवान ने हमें दिया है दैट इज सेक्स फाइन सो जेंडर इन इक्वालिटी बिगिन फ्रॉम अर्ली फेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ मैंने अभी आप लोग को बताया कि हम लोगों को ग्रो ही इस तरीके से किया जाता है कि लड़की के काम क्या है और लड़के के काम क्या है तो ये बिल्कुल अर्ली बिल्कुल शुरुआती फेज से शुरू हो जाता है इन मेजोरिटी ऑफ द होम्स इन इंडिया नोइंगली और अनोइंगली जेंडर डिस्पैरिटी कैन बी सीन है ना हम ये देखते हैं ना कि लड़की और लड़के के रोल्स जो है शुरू से ही चाहे हमारे पेरेंट्स हमारी फैमिली इस चीज़ को नोइंगली या अन्य जान बूझ कर या ना जान कर ये डिस्क्रिमिनेशन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं यूज करेंगे यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सो गर्ल्स एंड लड़कियों को शुरू से गोल यू हैव टू वर्क होम यू हैर्न कुकिंग यू नीड टू लर्न हाउ टू क्लीन द हाउस है ना ये सब बिल्कुल शुरू से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है सो so, ये एक एक्सपेक्टेड क्वालिटी होती है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए ये तो आना ही चाहिए आप तो शायद आपने से बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी 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 होगा आपकी मदर एक लाइन बोलती कि बन बन जाइए जाइए आप 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 कुछ कुछ आपको सारे काम डॉक्टर इंजीनियर लेकिन आपको घर के काम आने चाहिए है ना सबकी सबकी पेरेंट्स सब मदर तो स्पेशली तो इस तरीके से था ये चीज नहीं ये दिमाग हमारे माइंडसेट ही ऐसा है, इंडिविजुअलिटी इज ना एक लड़की की इंडिविजुअलिटी एक वो अलग एक अलगपन जो है इंडिविजुअल बींग इंडिविजुअल उसको भीड़ में खड़ा कर दिया गया कि लड़कियों को ही आना चाहिए है ना लेकिन उसकी वो एक इंडिविजुअल एक खुद में वो एक पर्सनालिटी क्या है या वो क्या लाइफ में कर सकते है, उस चीज को साइड पे रख दिया जाता, उस चीज़ को कर दिया जाता है ओके okay, okay, मुझे learn, मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे कुकिंग भी आनी चाहिए मुझे किचन क्लीन भी सब कुछ मुझे क्लीनिंग भी आनी चाहिए है ना सो दिस एक्सपेक्टेड रोल ऑल्सो कर्ब्स मतलब Uh, उसकी जो एक्सपेक्टेड ये जो एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक लड़की की फ्रीडम को छीन लिया जाता है बहुत ही छोटी से और पेरेंट्स लाइफ ऑफ़ डोमेस्टिक वर्कर अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर जो घर में हमारे काम करने वाली दीदी होती हैं उनकी लाइफ कैसी होती है सो डोमेस्टिक वर्कर आर मोस्टली टाउन्स मोस्टली डोमेस्टिक वर्कर but the work they do is not given much importance due to which the wages they are paid very low the work of a domestic worker entails cleaning sweeping cooking washing clothes and dishes as well as taking care of young children or the elderly the work of a domestic worker does, it, does is physically very challenging and puts ample strain to them this work is not uh, considered respectable हम देख रहे थे कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी एक घर में काम करने वाली एक लेडी दीदी थी जो कि घर को क्लीन रही है और जो घर की ओनर है बड़े आराम से सोफे पे बैठी है ठीक है जस्ट अ ठीक है so, सो एक डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ कैसी होती है <coughs> ये देख रहे हैं ऑन पेज नंबर इज अ गर्ल दीदी अ डोमेस्टिक वर्कर हु इज क्लीनिंग द दूटेंसल सो डोमेस्टिक वर्कर के बेसिकली काम क्या क्या होते हैं पूरा स्विपिंग uh, करना घर को क्लीन करना कुकिंग करना वॉश क्लोथ्स डिशेज है ना डिशेज आर यूटेंसल्स ठीक है ये सबको क्लीन करने का काम होता है इन लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती है इसी वजह से उनको पे भी बहुत कम किया जाता है इन लोगों का जो काम होता है वो फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग होता है और जिसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेन बहुत फ़िज़िकली आप चैलेंजिंग समझने की वजह से समझ लीजिए कि उनको बहुत ही मेहनत करने की वजह से उनको बहुत ही स्ट्रेन पड़ता है उनके ऊपर स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ बहुत ही फिजिकली आ, वो थकते बहुत थक जाते है ना दिस वर्क इज़ ऑल्सो नॉट और इस काम को अच्छा आप इस काम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी नहीं माना जाता प्लस इन लोगों को उस तरीके की रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती और इसी वजह से इन लोगों को इल ट्रीटमेंट मिलता है मतलब इनको अच्छे से बिहेव इन लोगों के साथ नहीं किया जाता बट स्टिल द सोसाइटी इज डेवलपिंग इन लोगों को अब रिस्पेक्ट मिलती है और मिलने लगी है एंड एक्चुअली मिलनी भी चाहिए बहुत फिजिकली स्ट्रेन इन लोगों को पड़ता है इतना काम ये लोग घर के करते हैं अब हम लोग अपने घर के काम नहीं कर सकते तभी तो इन लोगों को हायर करते हैं इनको पैसे दे अपने काम कराते हैं तो सोचिए कि इन लोगों का काम कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है तो कोई भी काम हो रिस्पेक्ट प्रॉपर मिलनी ही मिलनी चाहिए हाउ टू अचीव जेंडर पैरिटी इन द सोसाइटी इक्वालिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ अब क्या है इक्वालिटी कैसे मिलेगी गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैर गर्ल्स एंड बॉयज़ल एंड बोज शुड भी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना विल टॉक अबाउट कैसे हम जेंडर इक्वलिटी अचीव कर सकते हैं so, सो हरेक को इस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल क्या कहेंगे uh, uh, हम लोगों को इक्वलिटी equal, मिलनी चाहिए इक्वल मेरे को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है गर्ल को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जितनी एक बॉय को मिल रही है और बॉय को भी उतनी ही मिले जितनी एक गर्ल को मिल रही है वी नेवर फाइंड हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है कि इक्वल राइट टू ऑल द सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजेंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि एक लड़की और एक लड़के को एक बिल्कुल सेम एज अ सिटीजन एक लड़की और लड़के को एकदम सेम उन लोगों को मिलने चाहिए अपॉर्चुनिटीज ठीक है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली ऑन इक्वल टर्म्स शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक लड़की और लड़के को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मे बी घर की या बाहर की उनको इक्वली शेयर करनी चाहिए टाइप कास्टिंग बोथ मैन एंड वीमेन नॉट ओनली लिमिटेड पर्सनल ग्रोथ बट ऑल्सो हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल है ना सो so, अगर नहीं मिलती तो क्या होता है पर्सनल ग्रोथ भी एक पर्सन एक मैन एंड वीमेन की रुक जाती है और सोसाइटी की ग्रोथ भी नहीं होती है ना सोसाइटी की सोच छोटी रह जाने की वजह से क्या होगा उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो सोसाइटी भी ग्रो नहीं करेगी सो फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी मैन एंड वीमेन कैन बी ट्रीटेड इक्वली उन लोगों को ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिफरेंसेस नहीं हमें करनी चाहिए नेक्स्ट वी हैव वैल्यूइंग वैल्यूइंग वी शुड वैल्यू हाउस वर्क एंड ग्रूम बोथ बोथ बॉय एंड अ गर्ल टू डू द सेम इट इज एज्यूम डेट कुकिंग क्लीनिंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली इज वुमेन्स वर्क है ना है ना ऐसा होता है

इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ना कि उन लोगों के ऊपर कि आप लोगों का काम तो सिर्फ घर को क्लीन करना कुकिंग करना और फैमिली को लुक आफ्टर करना है नहीं मोर वो हाउस होल्ड टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स क्लीनिंग स्विपिंग पिकिंग अप लॉन्ड्री रिक्वायर बेंडिंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑलसो मेनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्विंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोर्स फॉर अ लॉन्ग हा दीज टास्क का स्ट्रेन एंड रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी ग्रोम टू रिस्पेक्ट ईच अदर शेयर हाउस होल्ड एज वेल एज ऑफिस वर्क है ना तो हमें वैल्यू करनी चाहिए घर के कामों की भी अच्छा बेटा स्ट्रेड नीडिंग अ लॉर्ड ऑफ फिजिकल एफर्ट्स स्ट्रेनज मतलब जिसमें फिजिकल एफर्ट्स बहुत लगती है स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा लगती है तो so, हमें घर के कामों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए वी डोंट गिव दैट मच रिस्पेक्ट टू अदर नही देते ऐसा नहीं है हमें देनी चाहिए उनका काम सबसे ज्यादा फिजिकल डिमांड करता है है ना फिजिकल मेंटल डिमांड उनका काम करता है घर को 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 क्लीन रखना फैमिली को लुक आफ्टर करना कुकिंग करना कुकिंग ये सब भी इतने लंबे समय के लिए एक खाने देखते हैं ना हम तो घर में कोई फेस्टिवल होता है शी मोस्टली यू विल फाइंड हर इन किचन ऑन वर्किंग ऑन अ गैस स्टोव है ना सो दैट इज वेरी टीडियस मतलब टाइडियस मतलब बहुत थकाने वाला फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगती है इस काम में तो हम लोगों को क्या करने चाहिए हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चाहे घर की हो या बाहर की हो उनको डिवाइड करना चाहिए इन बिटवीन द गर्ल और अ बॉय है ना गर्ल आर नॉट ओनली टू बी इन द किचन वो सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बनी है शी हैज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज शी शुड वर्क फॉर हर सेल्फ और टू लुक आफ्टर द फैमिली ऑल्सो दोनों ही काम मिलकर लड़के और लड़की को करना चाहिए नेक्स्ट mean by women empowerment? डू यू मीन empowerment is what discrimination इज women डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट cause ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना अगेंस्ट मतलब लड़कियों को जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनको डिविजन ऑन द सोसाइटी इनइालिटी उन लोगों के साथ में होती है यही बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे दुनिया का क्यों क्योंकि अगर हमारे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा लड़की और लड़के के बीच में तो डेफिनेटली सोसाइटी डिवेलप नहीं होगी एट होम और अ वर्कप्लेस विमेन आर स्ट्रगल फॉर अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेस देम एज इक्वल टू मेन ना घर पे भी और वर्कप्लेस पे काम की जगह पर भी औरतों को स्ट्रगल करना पड़ता है विमेन एम्पावरमेंट इज अ नीड ऑफ द आवर्स ऑफ द आवर एंपावरमेंट लड़कियों को बढ़ो, बढ़ाना उनको बढ़ोतरी देना उन लोगों को सक्षम बनाना ठीक है ये काम है हमारा वी शुड डू इट फॉर द ऑफ सोसाइटी इट इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर दे आर प्रीवियसली केप्ट आउटसाइड है ना लड़कियों को भी डिसीजन uh, जहां पे घर का हो या ऑफिस का हो कोई भी डिसीजंस लेते हैं उनमें इनको इन्वॉल्व करना चाहिए दे शुड अलाउ देम टू गिव देयर ओन आउटपुट्स एज वेल मतलब अपने भी सॉरी इनपुट एज वेल उनको अपना इनपुट लड़कियां भी अपना इनपुट दे सकें it also mean educating women as well as well making them financially and emotionally independent. women empowerment का मतलब क्या है कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए उनको financially और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाए पढ़ाए पढ़ेगी लिखेगी लड़की ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होगी और दिमाग से भी वो डिसीजन ले सकेगी वो emotional भी इंडिपेंडेंट होगी राइट नाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग एन बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल ये हम देख रहे हैं नाउ व्हाट योर जॉब इज आप मुझे इन तीनों का नाम बताएंगे ये तीनों कौन हैं एंड uh, वो लोग कैसे uh, क्या काम वो लोग करते इन तीनों की क्या अचीवमेंट्स है बीइंग अ वुमेन ठीक है तो आप लोगों को मुझे बताना है इस क्लास के बाद राइट नाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वुमेन एंट्रिंग वेरिएट फील्ड्स आजकल अब क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे सोसाइटी -धीरे, जो है इस चेंज को एक्सेप्ट करने लगी है इस बात को मानने लगी है कि हमें मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए वर्क वर्क इक्वालिटी द अ डज एट होम नॉट रिगार्डिंग एज ऐसा होता है ना जेंडर uh, कि भाई लड़की सारा दिन घर में काम कर रही है लेकिन उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी इम्पोर्टेंस एक मैन को दी जाती है जो बाहर सात से आठ घंटे जाके काम कर रहा है बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर एमफेसइज करता है इक्वालिटी मिले किसके बेसिस पर उनको जेंडर बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ आ, <coughs> बहुत ज्यादा इस तरफ काम करती है से कुछ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे गवर्नमेंट ने बनाई हुई है टू लुक आफ्टर द विमेन है ना और आ, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इसके लिए Women के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती कि मैनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम की है कि थर्टी विमेन टू हैव क्रेचेस क्रचे हेल्प मदर्स टू टेक जॉब्स आउटसाइड होम ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी किया है कि उनको इतनी परसेंट विमेन तो रखनी ही रखनी है Uh, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कंपनीज में गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ऑफ गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी जैसे कि स्टेप स्टेप क्या है सपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने कि वीमेन को भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाए से इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर में सो so, राष्ट्रीय महिला कोष भी इस्टेब्लिश किया गया 1993 में ताकि औरतों को बहुत आराम से उनको Uh, अगर वो कुछ अपना काम करना चाहती हैं तो उनको पैसा दिया जा सके बेटा ये होता है क्रच ना सो so, आप देख रहे हैं ये दिस इज क्रच यहाँ पे क्रच में वो काम करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगी ना क्रच हेल्प मदर्स टू टेक जॉब्स आउटसाइड होम क्रचेस की हेल्प से ही एक मैं एज आई एम अ वर्किंग मदर तो मैं अपने बच्चे को क्रच में छोड़ सकती हूँ दुमन एंड द वर्किंग इन अ क्रचेस दे लुक आफ्टर माई शी विल लुक आफ्टर माई चाइल्ड एंड आई कैन गो आउट एंड वर्क दिस इज अ क्रच उसके साथ साथ हमारे विमेन को भी अपने राइट्स के बारे में पता होनी चाहिए जैसे कि एक एंटी डोवरी लॉ लॉ लॉन्टीन गाइनटीन एटी फोर ये एक लॉ है एंटी डोवरी जो दहेज प्रथा के अगेंस्ट नोवन के फॉर डोवरी इफ अ विमेन वॉन्ट कि मुझसे डोवरी मांगी जा रही है इफ आई वॉन्ट टू मैरी समन इफ माई पेरेंट्स आर गेटिंग फॉर डोवरी आई कैन गो एंड मेक अ कम्पलेन अगेंस्ट दैट फैमिली दे आर आस्किंग ठीक है द लॉ डिक्लेयर दैट टेकिंग एंड डोवरी इज इलीगल है ना इस लॉ का मतलब क्या है कि ये इलीगल है आप किसी से दहेज नहीं मांग सकते चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट ठीक है कि जो भी कोई भी लड़की बिलो द एटीन ईयर्स है उसकी शादी करना भी एक इलीगल है इक्वल रिनिमरेशन एक्ट इक्वल रिन्यमेशन एक्ट पास इन 1976 इसका मतलब है कि औरतों को भी इक्वल पे मिलनी चाहिए अगर वो सेम जॉब कर रहे हैं एक लड़का एक सेम पोजीशन पर है एक लड़की एक सेम पोजीशन पर है सो ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑन द बेसिस आप ऑन द जेंडर आप उनको कम या ज्यादा सैलरी नहीं देंगे अगर वो सेम पोजिशन पर है विल टॉक अबाउट द केस स्टडी आंगनबाड़ी हम देखते हैं गाँव में आंगनबाड़ी होती हैं बेसिकली दे आर चाइल्ड केयर सेंटर्स विलेजेस में प्रोवाइड कराई है जाती हैं 1975 में डेवलप हुई थी इसको एक विमेन एक लेडी रन करती है जो बच्चे छः साल से कम होते हैं और स्लम एरियाज में रहते हैं वहाँ पे बेसिकली एक हाइजीनिक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराए गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आ, इस चीज़ को और एक विमेन होती है वो ही इसको मैनेज करेगी वहाँ पर भी दीदी होती है शी हेल्प दैट हेड टीचर वो टीचर को हेल्प करती है इन बच्चों को साथ में मैनेज करने के ठीक है वो टीचर का काम क्या होता है बच्चों को खाना भी वहाँ पे आंगनवाड़ी में खाना भी मिलता है जो बच्चों को ताकि बच्चे जो हैं स्लम एरियाज के मैल न्यूट्रिशन ना रहे ठीक है तो उनको हाइजीनिक एनवामेंट प्रोवाइड कराते हैं उनको पढ़ाते हैं उनको खाना भी वहीं पर प्रोवाइड होता है सो so, हेल्थ और हाइजीन के लिए भी इन बच्चों को सिखाया जाता है कि हाउ टू तो लिव हमें कैसे अपनी हेल्थ अपने हाइजीनिकली रहना है ताकि हमारी हेल्थ हेम्पल ना हो ठीक है सो इस आंगनवाड़ी के कॉन्सेप्ट ने बहुत सी औरतों की लाइफ भी चेंज कर दी वो पैसा भी अर्न कर रही हैं कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ रहा है और विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट चिल्ड्रन चिल्ड्रेन और जैसे कि जो आंगनबाड़ी जिनके बच्चे छह साल से कम है वो वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के अपने काम पर भी जा सकती हैं तो इंडिपेंडेंट भी एक विमेन हो सकती है जो वर्किंग है इस आंगनबाड़ी में या जो अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाकर अपने काम पर जाना चाह रही है फाइन सो बच्चे ये दिस चैप्टर इज डन आई विल बी सेंडिंग यू द एक्सरसाइजेस इन ऑल फॉर द चैप्टर यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क है ना आपको आई होप ये समझ आएगा नहीं आया है डू आस्क मी चलिए टेक केयर